हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मेरे चैनल पे आती है तो उसका अपडेट आपको मिल सके। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। सो आज का टॉपिक है स्पीड डिस्टेंस का रिलेशन, जब टाइम मेरा कॉन्स्टेंट है या सेम है। सब जैसे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे सपोज करके एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। अगर दोनों पर्सन हैं वो सेम टाइम के लिए चलते हैं, सेम टाइम टी के लिए सपोज करके चलते हैं, और ये ए है जो वो स्पीड एस वन से चल रहा है और डिस्टेंस डी वन इसने कवर किया, और जो बी पर्सन है उसने डिस्टेंस डी टू कवर किया और स्पीड उसकी एस टू है। तो इस केस में क्या होगा मेरा, अब जो ए पर्सन है वो भी टी टाइम के लिए चला और बी पर्सन है वो भी टी टाइम के लिए चला, तो इस केस में जो मेरा डी वन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो एस वन इंटू टी हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, ये स्पीड इसकी होगी और ये इसका टाइम। और डी टू क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड एस टू इंटू टी। तो अब जब मैं दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करूंगा आपस में तो d1 अपॉन d2, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको साथ साथ अगर आप नोट करते चलें तो और समझते ले चलें तो बेटर होगा आपके लिए। सो इसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 t अपॉन s2 t। तो t t कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2। तो बेसिकली क्या होगा, जब हमारा टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा या टाइम कांस्टेंट होगा, उस केस में जो स्पीड और डिस्टेंस की रेशियोज है वो क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। तो इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं देखते हैं हम, और कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। मैं तीन चार क्वेश्चन करवाऊँगा, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस में कवर करूँगा, क्या पता इसके सात आठ पार्ट आ जाएँ डिस्टेंस स्पीड के, तो अच्छे से इसको कवर करवाऊँगा। जब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लाया करूँगा स्पीड और डिस्टेंस पे। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। हाँ, अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिसमैन है और एक थीफ है, उन दोनों में डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का, ये 100 मीटर का डिस्टेंस आ गया। एंड स्टार्ट टू चेस, अब पुलिसमैन चेस कर रहा है थीफ को और थीफ भाग रहा है। स्पीड ऑफ द पुलिस इज 55 मीटर पर सेकंड और थीफ की कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। अब निकालना है मुझे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द थीफ। अब इसमें या तो आप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था, या आप क्या कर सकते हैं कि अब इस, जैसे मैंने पिछला अभी स्पीड डिस्टेंस की रेशियो बताई है, अब बेसिकली जो पुलिस भाग रही है और थीफ भाग रही है, तो जब पुलिस इसको पकड़ लेगी थीफ को तो थीफ और पुलिस दोनों ने सेम टाइम के लिए भागे होंगे, बेसिकली टाइम यहाँ पे क्या आ गया मेरा सेम। तो यहाँ मैं वो वाला रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ, स्पीड और डिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, वो रेशो हो जाएगी, वो सेम होगी। तो बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिसमैन डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ थीफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ थीफ इज इक्वल टू 55 अपॉन 50। अब बेसिकली अगर मैं डिस्टेंस के हिसाब से देखूं तो इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस का गैप आ रहा है, वो आ रहा है 5 का, लेकिन रियल में कितने का गैप है 100 का। तो अगर 5 को मुझे 100 बनाना हो तो मुझे बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। तो मैं क्या करूँगा, 55 को भी 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, 50 को भी 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आ जाएगा बेसिकली मेरा 1100 डिवाइडेड बाई 1000। तो अब 100 का गैप भी आ रहा है, और इस टाइम क्या होगा, पुलिसमैन ने कैच कर लिया होगा थीफ को, तो इस टाइम पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1100, और थीफ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 1000 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया थीफ ने बिफोर अरेस्टिंग, तो कितना किया 1000 मीटर, तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, और या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं देखूंगा कि क्या डाउट्स रहते हैं आपके क्वेश्चन में तो उसको मैं सॉल्व करूंगा। अब
फिर से अगर बार एक बार फिर से समझा देता हूँ, जैसे डिस्टेंस अपॉन पुली डिस्टेंस थीफ का, तो इसमें प्रोपोर्शनलिटी यूज हुई, तो क्या था बेसिकली 55 डिवाइडेड बाई 50 था, दोनों के बीच में गैप 5 था, लेकिन उन्होंने 100 मीटर दिया था, तो 5 इंटू 20 करूँगा तो ही मेरा 100 आएगा, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा 1100 डिवाइडेड बाई 100, सो बेसिकली 1100 डिवाइडेड बाई 100,000, सो 1100 क्या आ जाएगा जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा पुलिस ने, 1000 कितना आ जाएगा जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मेरा थीफ ने, तो इन्होंने पूछा था थीफ ने कितना ट्रैवल किया, तो वो आ जाएगा सी पार्ट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द थीफ इज 1000 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 96। अब ये ए है ये बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 96 मीटर का किलोमीटर का। अब 2% पी एंड क्यू ट्रैवलिंग विद 50 एंड 70 स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी साइमल्टेनियसली, क्यू रीच्ड एट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली एंड मीट एट पी एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बी। अब वो बोल रहा है, मैं थोड़ी डायग्राम फिर से बना लेता हूँ, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ आना चाहिए। ये ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से ट्रैवल करते हैं पी और क्यू दोनों, पी की स्पीड जो है वो है 50, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 96 किलोमीटर का। अब वो बोल रहा है कि पी यहाँ से चल रहा है और क्यू यहाँ से चल रहा है, क्यू ऑब्वियसली स्पीड ज़्यादा है क्यू की, तो पहले वो पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे पी पहुँचा था उतनी देर में, क्यू जो हुआ वो यहाँ से मुड़ के वापस पी को यहाँ पे आके इस पॉइंट पे मिल गया, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, उन्होंने दिया है ये वाला डिस्टेंस एक्स है, तो इस एक्स को मुझे निकालना है। तो अब बेसिकली क्या होगा, अगर मैं देखूँ तो बेसिकली जो पी है और क्यू है दोनों ने सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया। अब अगर सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया तो डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो जो होगी वो सेम हो जाएगी, तो डिस्टेंस ऑफ पी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ क्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पी डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ क्यू। स्पीड ऑफ पी कितनी दी हुई है 50 अपॉन 70, अगर 0-0 काट दूँ तो रेशियो कितनी आ रही है 5:7, मतलब जो डिस्टेंस ट्रैवल किया पी ने मेरा वो कितना है 5 यूनिट्स। अगर सपोज कर लूँ यहाँ पे पी यहाँ तक पहुँचा था तो यहाँ पे ये इतना डिस्टेंस कितना 5, और जो क्यू ने ट्रैवल किया वो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 7। तो अब ध्यान से देखूँ ये वाला डिस्टेंस तो मेरा 5 हो जाएगा, बाकी जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल बराबरी में है, तो उसको आधा आधा जाएगा 7 है टोटल, ये 5 हो गया तो बाकी 2 बचा, तो ये 1 होगा ये 1 होगा, मतलब x कितना होगा वो 1 यूनिट होगा, x मेरा 1 यूनिट होगा। अब बेसिकली उन्होंने पूरा डिस्टेंस था वो 96 दिया था, अब ये 5 और ये 1 मिलके ही तो पूरा यूनिट बन रहे हैं डिस्टेंस के, तो वो कितना है 96 और है कितना 6, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 किलोमीटर। तो बेसिकली एक यूनिट ही तो एक्स की यूनिट है, तो एक्स कितना आ जाएगा मेरा 16 किलोमीटर। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, नहीं तो मैं फिर से समझाता हूँ। अब क्या था क्वेश्चन, जैसे ये ए बी था, डिस्टेंस बिटवीन ए बी दिया हुआ था 96, यहाँ से पी चल रहा था, यहाँ से क्यू चल रहा था, ये 50 की स्पीड से चल रहा था, ये 70 की स्पीड से चल रहा था। तो अब उन्होंने दिया था कि पी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, अगर बीच में कहीं पहुँचा है तो क्यू उतनी देर में यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच जाता है, वापस पी को मिलता है, और ये वाला डिस्टेंस बी से कितना एक्स दिया है वो इस एक्स को मुझे फाइंड करना था। अब जब मैंने देखा कि डिस्टेंस ऑफ पी अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्यू वो स्पीड की रेशियो में आना था, तो वो आना था 5:7, तो अगर मैं देखूँ कि 5 ये यूनिट मैंने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, ये 5 ऐसे नहीं 5 यूनिट ले लो, तो ये यहाँ जो डिस्टेंस बचा वो क्यू ने दो बार ट्रैवल किया, तो 1-1 यूनिट होगा, ऑब्वियसली 1-1 यूनिट होगा। तो अब देखो ध्यान से, ये वाला इतना डिस्टेंस 5 यूनिट है और ये वाला इधर से लेकर इधर तक 1 यूनिट 6 यूनिट हो गए टोटल, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दी है कि 96 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 16 यूनिट, तो वही 1 यूनिट तो मेरा x डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई x 16 किलोमीटर, तो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 60 किलोमीटर, दो स्टेशन दिए हुए हैं ए एंड बी। पहले क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, फिर बाद में उसको सॉल्व करना है। टू फ्रेंड राम एंड श्याम स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, राम भी यहाँ से चलता है और श्याम भी यहाँ से चलता है। स्पीड ऑफ राम इज 4 किलोमीटर लेस देन स्पीड ऑफ श्याम। अब स्पीड ऑफ राम कम है, 4 कम है श्याम से, ओके। श्याम रीच एट बी, फिर वो वापस यहाँ से, तो वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह आ गया कि राम यहाँ पे पहुँचा, श्याम घूम के वापस यहाँ पे आ गया, और इनकी स्पीड में 4 का डिफरेंस है। श्याम रीच डेट बी एंड रिटर्न इमीडिएटली मीट राम फ्रॉम द डिस्टेंस 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है 12 किलोमीटर, अब ये 12 दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ राम एंड श्याम, दोनों की स्पीड मुझे निकालनी है। अब इस केस में भी क्या होगा, मेरा टाइम सेम है, टाइम सेम है मेरा। अगर टाइम मेरा सेम है तो डिस्टेंस प्रोपोर्शन जो होगा, डिस्टेंस की और स्पीड की रेशो, वो बराबर होगी। तो डिस्टेंस, अब मैं ध्यान से देखूं उसी डायग्राम में, पहले मैं ए बी, राम यहाँ तक चला, ये 12 किलोमीटर दिया था उसने, और टोटल डिस्टेंस दिया था यहाँ पे 60, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 48 हो जाएगा। अब राम ने कितना ट्रैवल किया, 48, जबकि जो शाम होगा यहाँ उसने 48 भी ट्रैवल किया, फिर ये वाला 12 भी ट्रैवल किया, और ये वाला 12 भी ट्रैवल किया, तो टोटल राम ने कितना कवर किया होगा, 48, शाम ने कितना कवर किया टोटल, 48 प्लस 24 वो हो गया 72। तो डिस्टेंस ऑफ राम, डिस्टेंस ऑफ शाम इज इक्वल टू स्पीड राम, स्पीड शाम। तो राम ने कितना ट्रैवल किया, 48, इन्होंने कितना ट्रैवल किया शाम ने, 72, 24 से डिवाइड करूंगा, 24 टू जा 24 थ्री जा। अब दोनों की रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 1 का, लेकिन स्पीड की रेशियो में उन्होंने बताया कि डिफरेंस कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर का। तो 1 की वैल्यू अगर 4 है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 8, यहाँ पे 3 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12। तो ये स्पीड, एक्चुअल स्पीड निकल जाएगी, तो स्पीड ऑफ राम कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ शाम कितनी होगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, स्पीड ऑफ राम इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ शाम इज 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन कैन ट्रैवल सर्टन डिस्टेंस इन 30 आवर्स। एक कोई आदमी, ए पर्सन पी, वो ट्रैवल करता है 30 आवर्स में कुछ डिस्टेंस, किसी स्पीड से, एस स्पीड से सपोज, तो फिर वो डिक्रीज करता है अपनी स्पीड 1/15, ही वुड कवर 10 किलोमीटर लेस इन सेम टाइम। अब सेम टाइम, सेम टाइम में मुझे वही एक चीज़ याद आती है कि डिस्टेंस और स्पीड की जो रेशो होगी वो सेम होगी। अगर वो सेम होगी तो अगर मैं देखूँ उसने अपनी स्पीड कितनी कम की, 1/15, अगर सपोज कर लूँ कि पहले उसकी स्पीड 15 थी, तो उसने अब कम करके कितनी हो गई उसकी, 1/15 कम करूँ तो 1/15 करूँगा, 1 कम करूँगा तो वो आ जाएगी 14। मतलब अगर पहले 15 यूनिट उसकी स्पीड थी, अब उसकी यूनिट कितनी स्पीड है, 14 यूनिट। तो अगर मैं डिस्टेंस और स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी में इसको लिखूँ, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, फर्स्ट केस डिस्टेंस अप सेकेंड केस, तो स्पीड फर्स्ट केस में, स्पीड सेकेंड केस में, तो स्पीड पहले केस में कितनी थी 15, अब कितनी होगी उसकी 14। अब ये डिस्टेंस की भी वो है, डिस्टेंस की भी रेशियो है। अब दोनों के बीच में गैप कितना है, तो उसने बोला अब वो 10 किलोमीटर लेस कवर करता है, तो एक का गैप, मतलब एक की वैल्यू इन्होंने दी है कि 10 किलोमीटर का गैप आया, पहले वो अगर कुछ जैसे 200 करता था, वो अब 10 कम करता है, 190 करता है, उस हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर यहाँ पे। तो लेकिन उसने पहली बार में डिस्टेंस कितना कवर किया, 15 यूनिट, तो उस हिसाब से 15 × 10 करूँगा, तो पहले उसने 150 किलोमीटर कवर किया था, अब कितना कर रहा है 140 किलोमीटर। तो अब 150 किलोमीटर कवर कर रहा था, अब क्वेश्चन में पूछा स्पीड ऑफ दैट पर्सन कितनी हुई, तो पहले 150 किलोमीटर था, वो कितनी देर में कवर कर रहा था, वो कर रहा था 30 आवर्स में, तो जब 150 को डिवाइड करूंगा 30 से, तो 3 × 5 = 15, तो 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ जाएगी। आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर से बता देता हूँ कि क्या था क्वेश्चन, एक पर्सन है, वो ट्रैवल करता है सर्टन डिस्टेंस इन 30 आवर्स, अब वो बोल रहा है अपनी स्पीड उसने 1/15 रिड्यूस कर दी, तो वो 10 किलोमीटर उसकी वजह से पहले जितना चल रहा था उससे 10 किलोमीटर
कम चलेगा, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी, स्पीड कितनी है उसकी, उस पर्सन की स्पीड कितनी रही होगी। अब मैं निकालूंगा, जब मैंने स्पीड ऑफ पर्सन वन सेकंड केस में कितनी, तो स्पीड वन स्पीड सेकंड केस में, तो बेसिकली पहले अगर स्पीड उसकी 15 थी, अब कितनी है 14, तो यही मेरी डिस्टेंस की भी रेशियो है। तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना था, 10 किलोमीटर। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 है यहाँ पे, तो एक यूनिट की गैप ही आ रहा है ना, तो उसका उसने दिया हुआ 10 किलोमीटर, तो पहले उसने 150 किलोमीटर कवर किया, अब कितना कवर किया उसने, 140 किलोमीटर। अब पहले 150 किया, डिस्टेंस मेरे पास आ गया, टाइम उन्होंने पहले वाला दिया हुआ था, तो वही फार्मूला लगाऊंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड निकल जाएगी मेरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 150 अपॉन टाइम, टाइम दिया है 30, तो 30 से इसको डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी, वो होगा ए ऑप्शन। सो पार्ट ए इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन करवाए इस कंसेप्ट बेस पे, तो आगे और भी कंसेप्ट आएंगे, अब जैसे टाइम और डिस्टेंस की प्रोपोर्शनलिटी आएगी, उसके बाद थोड़े और कंसेप्ट करवाऊंगा, फिर मैं सारे टॉपिक्स पे सारे कंसेप्ट पे मिक्स्ड क्वेश्चंस लाऊंगा, फिर उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो सके स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे, और आके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।